अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबक की दुनिया, वेलकम टू अदर न्यू ब्लॉग। देखिए, मैंने आज उठते के साथ ही सुबह सुबह भी बनने लग गया और साथ साथ रेस्टोरेंट के लिए खाना बना रही हूँ और ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है? तो ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये देखें, मुझसे किसी ने पूछा था कि प्याज कैसे ब्राउन करते हैं, तो भाई देखें, मैं इतना सा तेल लेती हूँ, पूरी कढ़ाई को जो है वो ऑयली कर देती हूँ, उसके बाद उसमें प्याज छोड़ देती हूँ। तो बाकी जो चीजें हैं ना, क्योंकि मुझे ऑयल यूज नहीं करना होता, आसान के लिए बना रही होती हूँ ना, तो ऑयल फ्री बनाने के लिए स्टीम में बनानी पड़ती है चीजें। तो बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ उसकी भी कुछ तैयारी मैंने कर ली है। ब्राउन ब्रेड रखी हुई है, तो इट मीन्स के लो कैलोरीज कुछ चीज बना रही हूँ, तो वो थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक मैं सारी चीजों से फ्री हो जाती हूँ। आगे मैं वापस देखे घी रेडी हो चुका है, ये बन गया और बाकी चीजें मैंने यहाँ रेडी कर ली हूँ। मैं फिर आप लोगों को प्रॉपर दिखाती हूँ। और अजान ने शोर मचाना शुरू कर दिया है क्योंकि अजान जाग गया है, ठीक है? तो मैं बाकी चीजें थोड़ा रेडी कर लूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और जल्दी जल्दी से मैं आपको झटपट से तैयार होने वाला एक लो कैलोरीज डिजर्ट बताती हूँ। तो क्या बना रही हूँ उसका नाम भी बताती हूँ। जी, मेरे इंग्रेडिएंट रेडी हो गए, ठीक है? ये जो है ना लेफ्ट ओवर ब्रेड है, 6 स्लाइस हैं ये, ठीक है? और ब्राउन ब्रेड लिए आप व्हाइट भी ले सकते हैं। ये है कॉर्नफ्लावर, ये है कस्टर्ड पाउडर 1/2 चमचा, ये 1 चमचा है चंद बादाम पिस्ते फॉर गार्निशिंग, और 2 कप दूध, जिसको मैंने मेजरमेंट कप में भी रखा हुआ है कि इस तरह से मैंने 1 कप इसमें डाला और 1 खीरा। बाकी दोनों पैन रख दिए हैं, ये कभी नॉन स्टिक हुआ करता था बेचारा, और ये भी इसको मैं बहुत एहतियात से चलाती हूँ। आधा कप पानी, और आधे कप पानी में हम डालेंगे ये सुखराल पाउडर, क्योंकि मैं लो कैलोरीज एंड शुगर फ्री बना रही हूँ। तो ये वैसे चीनी होती तो थोड़ा टाइम लगता, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये झटपट बन के तैयार हो जाएगी, ये जल्दी से घुल जाती है। वैसे इसको घोलने के लिए थोड़ा चलाना पड़ेगा, आज मेरा स्पेचुला बेचारा कट गया, पता नहीं कैसे कहाँ गया, ये भी नहीं पता गया मुझे। ये देखो, ये मेल्ट हो गया, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, क्योंकि चीनी होती है ना तो थोड़ा उसको घुलने में टाइम लगता है, ये चीनी नहीं है, बस हमें हल्का सा थिकनेस के लिए डालना है। नॉनस्टिक हुआ करता था इसलिए मैं नॉनस्टिक का बहुत ख्याल रखती हूँ। अभी इसको जो है फ्री व्हाइट वाइट तैयार हो गया, उबाला क्या? हाँ जी, चलो इसको तैयार हो गया ना, इसको खाली करना है। इसको देखें, अब मैं बना रही हूँ, अब जो बोलेगा उसको मैं सामने ले लूंगी। अच्छा, मैं बना रही हूँ रबड़ी वाला दूध, जो कि हम बना रहे हैं चाय टुकड़े, और कुछ नए स्टाइल से बना रही हूँ। लोग डीप फ्राई करके बनाते हैं, मैं नहीं बनाऊंगी डीप फ्राई से, मैं इनको शेलो फ्राई भी नहीं करूंगी, मैं मतलब हल्का सा इनको हल्के से घी के साथ इस नॉन स्टिक पैन में टोस्ट बनने तक सेकूंगी। तो ये रबड़ी, 2 कप दूध डाल लिया मैंने इसके अंदर, अब मैं थोड़ा सा दूध कैमरे में, ये गया कॉर्नफ्लावर 1 चमचा, ये गया 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और फ्लेवर, यू नो, इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना आए आपके रबड़ी वाले दूध में। आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं कॉर्नफ्लावर की जगह, मैंने नहीं डाला क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मीठा उसमें होता ही है, मैंने इसलिए वो यूज नहीं किया, ठीक है? थोड़ा सा दूध हो गया, अब ये देखें दूध थोड़ा सा गर्म हो गया, और हम इसके अंदर चम्मच चलाते चलाते ये डाल देंगे, और देखो जो जमा हुआ था वो नीचे रुक गया, और इसको गाढ़ा होने तक पकाना है हमें। ये तो गाढ़ा हो गया, हाँ तो गाढ़ा हो गया ना, जो फौरन हो जाएगा। अब इसके अंदर मीठा हमने डालना है, ये पाउडर था ना शुक्राल पाउडर, ये 1 चमचा, बस ज्यादा नहीं डालना, और इसको मिक्स कर लेना। आपका रबड़ी वाला दूध भी रेडी हो गया, बहुत जल्दी से बनने वाला एक डिजर्ट है शाही टुकड़े। बस अब जो इसका काम बचा है ना, क्योंकि आप शुगर फ्री बना रहे हैं, चीनी के साथ थोड़ा सा होता है, इसमें भी थोड़ा सा आपको चीनी के लिए भी वेट करना पड़ता है कि इसमें घुलेगी तब इसको छोड़ेंगे। ये रबड़ी वाला दूध भी आपका रेडी हो गया, 1 से 1.5 चम्मच घी डालकर इसको सारे में खिला लूंगी, क्योंकि बहुत तेज हो गया, इसको थोड़ा सा मैं ख्याल से ठंडा करना चाहिए, मैं भूल गई थी, और उसको हल्का कर मैं, क्योंकि अगर अभी इतने तेज में करूंगी ना थोड़ा इसको ठंडा होने के बाद मिलते हैं। देखें, मैंने ना इसको पहले लो टेम्परेचर किया कि भाई डाल देना चाहिए ना, फिर ये जो स्लाइसेस है ना इनको हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास एक बेक स्लाइस है जो अक्सर लोग जो है डिस्कार्ड कर देते हैं,
मुझे 6 स्लाइसेस चाहिए थे, मेरे पास लेफ्ट ओवर यही थे। मैंने सोचा आज आपको ऐसी चीज सिखाऊं जो सारी चीजें घर में हो और आप फटाफट झटपट से बना लें। अब इसको जो है ना हल्की आंच पे आपने सेकना, कड़क करना है ना। तो अब मैं इनको अलग पलट के इनको सेक लूंगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इनको कर लिया। क्योंकि अगर हमने पूरी वीडियो दिखाई ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत देर से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये देखें हो जाता है ना स्लिप ऑफ टंगे। और ये इस तरीके से आपका रबड़ी वाला दूध रेडी हो गया। मेनवाइल मैंने क्या किया कि वो ठंडा हो रहा था, इतने में मैंने ये गार्निशिंग के लिए बाम पिस्ते काट लिए हैं। और ये रही हमारी चाशनी। फटाफट से जो है ना मैं इनको शैलो फ्राई या टोस्ट कर लें फटाफट से। मैं मिलती हूँ आपको। अब इन लोगों की जो बातें ना वो शुरू हुई है, अगर असानी शुरू में चाह रहे हैं तो इन लोगों की गप्पे छप्पे, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आई है, चुप तो रह नहीं सकते ना। चले जी ये देखो 1.5 चम्मच देसी घी, क्योंकि मैं ऑयल भी यूज नहीं कर रही। इस तरह से ना, क्योंकि डबल रोटी को आप डीप फ्राई करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा ऑयल या घी जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो फिर वो एक लो कैलोरी तो ना रहा ना, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अपनी क्रिएशन करके मॉडिफिकेशन करके रेसिपी को चेंज कर दिया अपने हिसाब से। क्योंकि चीनी घी तो लोग बनाते ही है, ये देखो इस तरह मैंने इसको दबा दबा के ना क्रिस्पी कर लिया, गोल्डन भी हो गया देखो दोनों साइड से, देखो हो गया ना गोल्डन, देखा कैसा। मेरे पास एक स्लाइस बचा है, मैं इसको भी रेडी कर लूँ, फिर आप लोगों की इसकी सैंडलिंग और बाकी चीजें दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। सबसे पहले ही देखो कितनी अच्छी ऑयल भी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया और अच्छे से गोल्डन मैंने चेक किया, किरण बहुत अच्छे से दिखानी है। और अगर यहाँ पे कुछ हो रहा हो ना तो उसको बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि कैमरामैन के हाथ में जो है, कैमरा वुमेन के हाथ में क्या कहते हैं, छोटा सा मुन्ना भी है मेरा ना सर। तो ये जो है ना हम इसको ऐसे अलट पलट के चाशनी में, ज्यादा भिगोना नहीं है तो बहुत ज्यादा पी जाएगी ये ना, किरत मेरा चेहरा गायब कर देती है। किरत इस तरह से बना के देखिएगा ये शाही टुकड़ा, ठीक है। फिर अब इसके ऊपर हम ये डालेंगे रबड़ी, पूरा इसको ढांक देंगे, लेयर्स बनानी है बेसिकली, कवर करें कवर करें। ये हो गया, इसको इस तरह से जल्दी 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 जल्दी। अबे यार आसान का म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक साथ सब बता रहे हैं, ठीक है। आपके पास ज्यादा लोग हो भाई ज्यादा बना ले, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। इस तरह से ये देखें आपने करना है, बाकी को मैं पूरा करके आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। देखिए इसको जो है मैंने पूरा कर लिया, क्योंकि मैंने 6 पीसेस का बनाया है और लेफ्ट ओवर का बनाया है। तो अगर आपको ज्यादा बनाना है तो भी फ्रेश ब्रेड खरीदिए, ब्राउन या क्या कहते हैं उसको व्हाइट, जो दिल करे वो खरीदे और बनाए, ठीक है। ये बहुत ही लो बजट में, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं खरीदा, सब चीजें घर में थी। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से शाही टुकड़ा बना लिया, बस मेरे पास एक वर्क नहीं है, तो वर्क लगने के बाद सिल्वर वर्क लगने के बाद बिल्कुल आपको ना लुक देगा शाही टुकड़ा वाला। तो ये देखें इसको जो है आप ठंडा करें, फ्रिज में रखें, अच्छे से एंजॉय करें। और शाही टुकड़े बनाने के लिए बेसिकली जो रीजन है वो ये था कि इस्लाम को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज शुगर फ्री उनके लिए सरप्राइज लेके बनाएगा, उनको नहीं पता कि मैं आज ये बना रही हूँ, तो क्या कहते हैं सरप्राइज भी आज मैंने उनके लिए शाही टुकड़े बनाए किसी ब्लॉग में। अभी उनको मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वो डाइट पे, और मैं चाह रही हूँ जब उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो फिर मैं उनको जो है ना बोलूँ कि भाई आप भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द उनको भी मिलवाऊंगी और आसान से भी मिलवाना है। और ये आज की रेसिपी जो है शाही टुकड़े की एंड लो कैलोरीज, आप चीनी में भी बना सकते हैं बट मैंने शुगर फ्री एंड लो कैलोरीज बनाने की फॉर डाइट पर्पस। तो एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ एक बहुत अच्छी सी चटपटी सी, यू नो चटपटी मीठी लो कैलोरीज हेल्दी सारी चीजों के साथ, तो एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।